हेलो बच्चों, लेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज CH2। ये क्या दे रखा है आपको? एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है। द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक गैस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये एक बढ़िया स्टेटमेंट है ना, एक ट्रिकी स्टेटमेंट है। यहाँ से हम लोग को बात को पकड़ना है। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है, देयर फोर द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक गैस विल बी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ना, और बड़े आसानी से सॉल्व होगा ये। देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इसमें कई की कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक लग रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला का। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और उससे मॉलिकुलर फॉर्मूला, ना दोनों बातें इसमें यूटिलाइज होंगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो एवोगैड्रोज लॉ का हो रहा है, एवोगैड्रोज लॉ का हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एवोगैड्रोज लॉ क्या होता है वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। पढ़े हैं हम लोग एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ क्या बोलता है बच्चों? ये बोलता है कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एवोगैड्रो बोलता है। ठीक है, एक बात ये। अब दूसरा, हम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है और हम लोग को मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर अपने को एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है ना, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है तो हम लोग लिखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स एन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स एन, वेयर वेयर एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है बच्चों, सो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर ब्रीफली इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं फिर से। देखिए हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, ये चीज हम लोग को, देखिए आप एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, हम लोग को एन चाहिए, एन के लिए आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला चाहिए, मॉलिकुलर फॉर्मूला मास चाहिए। ठीक है, बस एन आ जाएगा तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो ना, CH2 दे ही रखा है, तो मतलब पूरा ये क्वेश्चन बेस्ड है इस n की वैल्यू निकालने। ठीक है, नाउ अब n निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक गैस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ, है ना, द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक गैस इज इक्वल टू दैट ऑफ 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहां पर एवोगैड्रो लॉ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर नाइट्रोजन का 1 लीटर का जो मास है वही मास इस गैस का है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ देखो अगर हम लोग यहां पर अगर नाइट्रोजन का मोल्स निकालें ना, तो STP पर जो नंबर ऑफ मोल्स होता है STP पर वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। और अगर मैं मोल्स मास के टर्म्स में निकालूं तो मैं लिखूंगा वेट बाय मोलर मास। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो बोल रहा है 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लिखेंगे, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स नहीं पता है लेकिन मोलर मास नाइट्रोजन का पता है 28। तो यहां से हम लोग वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस
जो निकाले हैं वो कितना आ जाएगा 28/22.4। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक लीटर नाइट्रोजन गैस का जो वेट है वही वेट एक लीटर उस गैस का भी है, ठीक है। तो मतलब यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना, वन लीटर का, दोनों का वन लीटर है। तो अगर दोनों का वेट वन लीटर के लिए सेम है तो 22.4 लीटर के लिए भी सेम होगा, ठीक है। 22.4 लीटर ऑफ गैस है ना, वेज कितना हो जाएगा बच्चों, अगर एक लीटर, यहां समझो एक लीटर अगर कितना वेट कर रहा है 28/22.4, तो 22.4 लीटर ऑफ गैस कितना कर जाएगा 28/22.4 × 22.4, तो दिस वैल्यू विल बी 28 ग्राम। कहानी आई समझ में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आ गया। तो 28 ग्राम उस गैस का मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और ये हम लोग जो निकाले हैं ये मोर और लेस हम लोग एवोगैड्रोस लॉ का इस्तेमाल करके भी सेम चीज निकाल सकते हैं, और उसी को मैंने अलग अलग तोड़कर आपको समझाया है, ठीक है। नहीं तो सीधा एवोगैड्रोस लॉ की बात करते कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर एक लीटर नाइट्रोजन का जो मोल होता वही एक लीटर इसका मोल होता है ना। यहां पर हम लोग इसको ये चीज हम लोग यहां से पा रहे हैं, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ से। नाउ मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो अब अगेन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग एन का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 28 एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बच्चों कितना होगा, यहाँ पर CH2 है, कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 2, कितना होगा 14। तो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 14, ये वैल्यू आ गई 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपना आंसर आने वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी CH2 empirical formula times N, तो ये हो जाएगा C2H4, क्योंकि N का वैल्यू कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो the correct answer for this question is C2H4, C2H4 is given in option number 1, so correct answer is 1. So hope this question is clear to you, the explanation is understandable to you, all the best for you.